प्रखंड मुख्यालय बिहियां स्थित किसान भवन में शुक्रवार को कृषि विभाग द्वारा रबी अभियान 2018 के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सा उत्पाद विवरण वितरण प्रखंड मुख्यालय बिहियां स्थित किसान भवन में शुक्रवार को कृषि विभाग द्वारा रबी अभियान 2018 के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सा उत्पादन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप प्रमुख शशिभूषण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। जो का जो तरीका है उसका अगर बेटर मैनेजमेंट अगर करते हैं तो खेती हमारी कभी भी घाटे में नहीं जाती। फसली हम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम एक फसली खेती को जो अपनाते हैं हम अगर थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करें थोड़ा सा उसमें हम कोशिश करें तो हम दो फसली खेती दो फसली। मैं कृषि विज्ञान केंद्र से आया हूँ तो हमारी पूर्ण कोशिश ये रहती है कि हम कृषि के जो नए आयाम हैं खेती के जो नए आयाम हैं तरीके हैं विविधताएं खेती छोड़ने का मन बना लेते हैं। हमको खेत से पैसा आना चाहिए खेती से पैसा आना चाहिए हमारे बाल बच्चे उस पर निर्भर हैं। तो हम इस तरह से सोचे कि हम एक किसान हैं और हम आपको वहां पर वह बीज एक निश्चित गहराई पर निश्चित जगह पर जाए। तो इस तरह से आप जीरो टिलेज से अगर खेती करते हैं तो आपको बहुत ही फायदे हैं आपको खास करके मानव श्रम। और तो इसके लिए भी है कि आप उसके दूरी को थोड़ा सा भार को बढ़ाइए और सीड बीज वाले बक्सा में चना को डालिए चना को उसमें डाल करके एक चक्कर मास्टर व्हील को घुमाइएगा। अगर धान के फसल में पत्र लपेटक कीड़ा का प्रकोप है तो किसान भाई प्रोफेनोफॉस 100 ml प्रति एकड़ के दर से छिड़काव करें और अगर मिली बग कीड़ा एवं अन्य कीड़ा का अगर प्रकोप है इमीडा क्लोरोपीड 1 ml या DDVP 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। उसके लिए मतलब कृषि विभाग के द्वारा किसानों के लिए क्या पहल किया जा रहा है? हम लोग के लिए किसानों को इस संबंध में जानकारी दी जा रही है कैंप कर करके या जो हमारा जो रबी अभियान के तहत जो सभी प्रखंड स्तर पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं उसमें भी हम लोग तकनीकी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और पंचायत स्तर पर जो हमारे कृषि समन्वयक हैं चाहे हम लोग जा कर करके वैसे किसानों को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं जानकारी दे रहे हैं। क्या परिचय क्या हुआ? मेरा नाम राणा राजीव रंजन कुमार हुआ उप परियोजना निदेशक आत्मा भोज। ना आपको बिजड़ा डालना है ना रोपनी करानी है ना रोपनी का आपको कोई टेंशन है ना बिजड़ा के पास कोई टेंशन है। इस हिसाब से जीरो टिलेज की खेती सस्ती पड़ रही है। आप लोग इतना ध्यान दें कि जीरो टिलेज की जो खेती है जो हमने करी है धान की तो आकर देख भी सकते हैं रोपनी के धान से अच्छी है फसल भी अच्छी है और कॉस्ट तो कम हो ही रहा है। इसी के संदर्भ में एक बात और है कि जीरो टिलेज का जो पौधा है वो ज्यादा मजबूत है रोपनी के बजाय। हमने रोपनी भी कराई है बगल की खेत में तो रोपनी से ये बहुत ही अच्छा इसका विकास है जहाँ पर भी नहीं होता जाता और फसल सबसे बढ़िया वहीं पर होती है। तो आपको यह इस मिथक को जब ध्यान दिला दीजिए कि खेत की जुताई करना बहुत जरूरी है। हमने जगदीशपुर और बिहियां प्रखंड के बीच में जो दवा का पैसे और जगह जगह पर यहाँ देखा है कि लोग क्या करते हैं कि पहले जुताई रोटावेटर से कर देते हैं और रोटावेटर से जुताई करने के बाद गेहूं की फसल को उसमें लगाते हैं। यह एक गलत परंपरा है आप इससे दूर रखिए। आप ऐसा कभी मत कीजिए नहीं तो उससे क्या होता है उस फसल में वहां जो गेहूं लगेगा जहां से रोटावेटर की जुताई हुई है और जीरो टिलेज चलाया गया है वह फसल निश्चित रूप से गिरती है लॉजिक कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है और उसकी जो जड़े हैं वह आप जब गेहूं काटने लगेगा तो जड़े उखड़ कर फसल के साथ आती है यहां पर ही आपका क्वालिटी जो है वह गेहूं का खराब होने लगता है। तो इस तरह से आप जीरो टिलेज का मतलब शून्य जुताई नो टिलेज कभी भी जुताई नहीं करना है। जब इस आयाम को पकड़िएगा तभी आप जीरो टिलेज